हेलो दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खरबूजे से बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस खरबूजे के जूस, जो बनाने में बहुत ही सिंपल है और पीने में बहुत ही टेस्टी है। इसे एक ग्लास पी लो, आपका पूरा दिन एनर्जी से भरा रहेगा और इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है। हमने एक खरबूजा ले लिया है, इसे हम दो भागों में काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे काट रही हूँ। इसे हम दो भागों में अच्छी तरह काट कर इसका बीज हमें अच्छी तरह निकाल लेना है। अब हम खरबूजे के पल्प को एक चम्मच की मदद से एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे निकाल रही हूँ। आप भी ऐसे ही खरबूजे के पल्प को निकाल लेना, ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने खरबूजे का पल्प अच्छी तरह निकाल लिया है। अब इसे हम एक मिक्सी जार में डाल लेंगे और हमें आधा कटोरी शुगर ले लेना है। इसे भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अगर आपका खरबूजा मीठा नहीं है तो भी ये जूस बहुत टेस्टी होगा। सिर्फ आपको दो चम्मच शुगर और भी बढ़ा लेना पड़ेगा अगर आपके खरबूजे मीठे नहीं हैं तो। आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आपको ऐसे ही पेस्ट बनाना है। हमने 3 चम्मच साबूदाना ले लिया है, इसे हमने 1 घंटे पहले भिगा लिया था। अब इसे हमें 5 मिनट मीडियम आँच पे अच्छी तरह उबाल लेना है। हमारा साबूदाना उबल कर पक कर तैयार हो चुका है। अब इसे हम उतार लेते हैं। हमने 1 छोटा चम्मच सब्जा ले लिया है, इसे हम 4 चम्मच दूध डाल के इसे अच्छी तरह भिगा लेंगे। अब हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और इसमें 1/2 लीटर दूध डाल देंगे। दूध को हम अच्छी तरह उबलने देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा दूध अच्छी तरह उबल रहा है। अब हम इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। कस्टर्ड पाउडर में हमें 4 चम्मच दूध मिला के इसे अच्छी तरह मिला लेना है और इसे धीरे धीरे अपने दूध में डालना है। एक तरफ से डालते रहना है और एक तरफ से चलाते रहना है ताकि हमारे दूध में गुठलियाँ ना पड़े। आप देख सकते हैं मैं कैसे एक तरफ से डाल रही हूँ, एक तरफ से मिला रही हूँ। हमारा दूध में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगे, इसे हमें ऐसे ही लगातार चलाते रहना है। कस्टर्ड पाउडर हमारे दूध में पककर तैयार हो गए। अब हमें गैस की आँच को बंद कर देना और जो हमने खरबूजे का पेस्ट बनाया था उसे इस दूध में मिला लेना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे मिला रही हूँ, आप भी ऐसे ही मिला लेना। बस आपको यही याद रहे कि हमें गैस की आँच को बंद कर देना है, उसके बाद ही खरबूजे के जूस को मिलाना है और इसे हमें अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। हमने जो साबूदाना पकाया था उसे हम अच्छी तरह छान लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। साबूदाने को हम इस खरबूजे के जूस में मिला लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे मिला रही हूँ, आप भी ऐसे ही मिला लेना। आप चाहे तो साबूदाना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप साबूदाना डालेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी बढ़कर लगता है। हमने जो सब्जा भिगाया था इसे भी इस खरबूजे के जूस में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब ये खरबूजे का जूस पीने के लिए तैयार है, लेकिन इसे हमें अभी ऐसे ही नहीं पीना है। इसे हमें 2 घंटे फ्रिज में रख देना है। जब ये ठंडा ठंडा हो जाएगा तब इसे हम सर्व करेंगे। 2 घंटे बाद हमने खरबूजे के जूस को निकाल लिया है। अब इसे हम ग्लास में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं। हमने इसमें काजू डाल दिया है, पिस्ता डाल दिया है और टूटी फूटी से हमने इसे गार्निश कर लिया है। खरबूजे का जूस अब बनकर तैयार हो चुका है। देखने में कितना सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी बना सकता है। तो इसे आप अपने घर में एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। 1 ग्लास ये खरबूजे का जूस अगर आप दिन में पी लें तो आप दिन भर तरोताज़ा अपने आप को महसूस करेंगे। इसे पीने के लिए आपको बनाना तो पड़ेगा ही। आप इसे बनाना और कमेंट में बताना कि आपके खरबूजे का जूस कैसा बना था। अपने परिवार को भी पिलाना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।